हेलो, यह है वीडियो संघोल पर है। संघोल न्यूज में काफ़ी रहा है। प्राइम संघोल जो एक प्रकार से सेप्टर राजदंड है, जो शासन को मतलब उचित रूप से न्याय संगत रूप से चलाया जा सके, इसलिए एक राजदंड के रूप में ये भावी पीढ़ी को एक राजा के द्वारा भावी पीढ़ी को सौंपा जाता था। कह सकते हैं कि एक प्रकार का संघोल क्या था, अ सिंबल ऑफ राइचसनेस, धर्म प्रायणता, न्याय संगतता का प्रतीक था, जो प्राचीन काल में संघ चोलों के समय हुआ। और इसका जो प्राचीनतम उल्लेख है संगम ग्रंथों में भी मिलता है। बाद में जो साम्राज्यवादी चोल थे, उन लोगों ने भी, उन शासकों ने भी इस परंपरा को जारी रखा। संघोल, प्राइम मिनिस्टर प्लेज द संघोल सेप्टर, सेप्टर में राजदंड, धर्म दंड जो है, प्रेजेंटेड बाय हेड ऑफ तिरुवदुथुरई अधीनम, ये मोनास्ट्री है, मठ है तमिलनाडु में, इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जैसे हम जानते हैं नया संसद भवन का निर्माण हुआ है और उसमें संघोल को रखा गया। संघोल को प्रस्तुत किया किसने, तिरुवदुथुरई अधीनम, ये मठ है, ये शैव मठ है ये तमिलनाडु का, जिसने ये जो प्राइम मिनिस्टर को प्रदान किया, भेंट किया। ऐसा माना जाता है कि 14 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन को अंतिम रूप दिया जा रहा था और देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, तो 14 अगस्त को एक दिन पहले पंडित नेहरू को, जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये संघोल जो है सत्ता के जो परिवर्तन जो है, हस्तांतरण कह सकते हैं, सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में संघोल उन्होंने प्राप्त किया। ऑन अगस्त 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू रिसीव द संघोल एज ए सिंबल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर, ब्रिटिश सत्ता से जो है, ये भारत जो है, जो ब्रिटेन के अधीन थे हम, ये सत्ता जो है भारतीयों को सौंपी जा रही थी, तो उस समय प्रतीक के रूप में संघोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्रहण किया। संघोल तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से निकला है, जिसका अर्थ है राइचसनेस। राइचसनेस का मतलब, राइचसनेस का धर्म प्रायणता, न्याय संगतता जो है, एज द ऑब्जर्वर ऑफ जस्टिस, न्याय के पालक के रूप में, न्याय के अवलोकन के रूप में जो है, न्याय का जो है, न्याय होता है जस्टिस, उसका अवलोकन को होता है, ऑब्जर्व मतलब देखना, अवलोकन करना। द हैंड इन ग्रेव नंदी सिट्स अटॉप इट, इसके जो है नंदी जो है भगवान शिव का वाहन है, हस्त उत्कीर्ण नंदी इस राजदंड के शीर्ष पर है। यानी कि इस जो सेप्टर है, संघोल है, राजदंड है, इसके शीर्ष पर हाथों से जो है उत्कीर्ण नंदी है, जो ये देख रही है कि जो ऑब्जर्वर ऑफ जस्टिस, जो न्याय के पालक के रूप में, न्याय का पालन हो रहा है या नहीं रहा, ये अवलोकन कर रही है, अवलोकन कर रही है नंदी। नंदी भगवान शिव का वाहन है। अच्छा, आगे देखते हैं। द रिसिपिएंट हैज टू रूल, ये जैसे मैंने कहा एक प्रतीक है, जो भी राजा शासक इसको ग्रहण करेगा हैज टू रूल जस्टली एंड फेयरली, जो है न्याय संगत रूप से और उचित रूप से जो है उसको शासन करना होगा। ये वह संघोल चोल एम्पायर में था, सिंबल प्रतीक, पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ सर्विस, पाथ ऑफ नेशन, ये राष्ट्र क्या सेवा का और कर्तव्य के मार्गों का प्रतीक है ये। इसका मतलब है कि आप जो हैं सही मार्ग पर चलें, जो नैतिकता का मार्ग है, जो सेवा का मार्ग है, जो कर्तव्य का मार्ग है, उस पर चलें। ये सेप्टर यानी कि संघोल राजदंड बार बार इस चीज को जो है राजा को याद दिलाता है। और एक राजा अपने आने वाली पीढ़ी को इसको सौंपता था, तो आने वाले शासक को सौंपता था। हैंडिंग ओवर ए सेप्टर इज सिंस द संगम एज, इसका जो है, इस सेप्टर जो है यानी कि संघोल जो है, इसका
एक पीढ़ी के द्वारा दूसरे को सौंपना संगम युग से ही जो है इसकी जानकारी है। संगम ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। बाद में जैसे मैंने कहा साम्राज्यवादी चोलो जो 9वीं शताब्दी में शासन में आए, उन शासकों ने भी इस परंपरा को जारी रखा। ओके।